गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। अभी दोपहर का टाइम बज रहा है, लेकिन मैं शाम के लिए अभी से तैयारी करके रख दूँगी। तो मैं आज चिकन पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ चिकन को, उसके बाद मैं शाम के टाइम बनाऊंगी। शाम के मतलब 4-4:30 बजे बनाऊंगी। उससे पहले मैरिनेट करके रखना पड़ता है, 1-2 घंटा उसको रखना पड़ता है। तो चलिए वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चैनल यूथ ने प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देख लेते उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है, भी मैं आप लोग को बता दूँगी। चिकन पकौड़ा तो हर किसी को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए चिकन पकौड़ा किसी को बनाना नहीं आता तो एक बार बना के खाना, बड़ा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है खाने में। टमाटर के सॉस के साथ और रेड चिली के सॉस किसके साथ भी आप खा सकते हो चिकन पकौड़ा, तो बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मैरिनेट कर लेते, उसके बाद जब मैं इसको पकाऊंगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप लोग को पता चलेगा। उससे पहले चलिए मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ चिकन पकौड़ा को मैं कैसे मैरिनेट कर रही हूँ और कैसे क्या चिकन। आधा किलो का चिकन है शायद, मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे, आधा किलो रहेगा। तो उसको पहले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसका पकौड़ा बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। पहले मैं आप लोग को देखा देती हूँ चिकन पकौड़ा के लिए क्या क्या चाहिए होता है। पहले तो हमको चिकन चाहिए, इसके बिना तो चिकन पकौड़ा होगा ही नहीं है, जैसे कि आप लोग को पता है। मैं उसको अच्छी तरह से धो के उसको रखा है। उसको चाहो तो आप छोटा छोटा करके, मैं उसको पानी थोड़ा निकाल लेती हूँ। आप मैं उसको ऐसे बड़े टुकड़े में कट किया है, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो उसको छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। मैं उसको बड़े साइज में ऐसे कट किया है, बड़े साइज रखा है मैंने। आप चाहो तो छोटा छोटा करके भी कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पर दही लिया है, उसके साथ अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट लिया है। इतना सारा नहीं लगेगा, जितना लगेगा उतना ही दूंगी। सूखा मसाला मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, उसके साथ थोड़ी सी गर्म मसाला लिया है मैंने, धनिया पाउडर, नमक, उसके साथ यहाँ पर मैंने आरा पाउडर 2 चम्मच लिया है और उसके साथ बेसन भी 2 चम्मच लिया है। पहले मैं सूखा मसाला सब ऐड कर दूंगी, नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब एक साथ में दे दूंगी। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट दे दूंगी, 1.5 चम्मच मैंने दिया है। उसके साथ यहाँ पर दही दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी आपके लिए। नमक आपके टेस्ट के अनुसार आप देख के देना है, आपको जितना कम ज़्यादा आप कर सकते हो नमक, आप देख सकते हो। इसको मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बेसन और आरा पाउडर दे दूँगी। उसको भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप देख सकते हो मैंने उसको अच्छी तरह से मिला दिया है। अभी मैं उसको फ्रिज में रख दूंगी, 1-2 घंटा के लिए उसको छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं उसका पकौड़ा बनाऊंगी।
इवनिंग फ्रेंड्स। दोपहर में चिकन मैंने करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। अभी शाम हो चुका है, 5:30 बजे है टाइम अभी। तो अभी जो चिकन मैंने मैनेट करके रखा था चिकन पकौड़ा के लिए, तो उसको मैं फ्रिज में निकाल के रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में मैंने उसको रखा था तो उसको करने से पहले उसको निकाल देना पड़ता है। तो आप भी जब करोगे ना, तो करने से पहले उसको पहले निकाल देना है आपको, उसके बाद उसको करना है। तो चलिए, मैं निकाल दिया था, अभी मैं उसको करूँगी। तो चलिए देखते हैं मैं चिकन पकौड़ा कैसे बनाती हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना ज़रूर और शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर देना। हाँ, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, क्योंकि नई वीडियो आने के लिए जो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देखते पकौड़ा में कैसे बनाती हूँ। देख सकते हो पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे तेल डाल दिया, ये रिफाइंड का तेल मैंने डाला है। मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाली, थोड़ा सा ही बस तेल डाली, क्योंकि क्या होता है ना, तो तेल ज़्यादा डालोगे ना तो तेल थोड़ा ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको मैं निकाल दिया था, अभी एक एक करके उसको देख लूँगी। इसमें तेल पूरा गर्म हो जा रहा है, इसको हाथ में धरे हैं तो चामच से भी दे सकते हो। मेरी चिकन थोड़ा बड़ा बड़ा है, आप चाहे तो छोटा छोटा भी चिकन कर सकते हो, लेकिन बड़ा चिकन अच्छा होता है, इसकी वजह से मैं बड़ा चिकन किया है। पहले मैं थोड़ा सा ही दिया है, अभी गैस में मीडियम पे ही इसको करूँगी, इसको हाई फ्लेम में लिखती हूँ मैं करना, क्योंकि ऊपर से जल जाएगा अंदर से नहीं पकेगा। तो मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है, आप देख सकते हो। तो उसमें थोड़ा धनिया पत्ता भी कट करके डाल सकते हो, प्याज भी छोटा छोटा करके डाल सकते हो, क्योंकि मैंने प्याज कट करके नहीं डाली, क्योंकि प्याज का पेस्ट मैंने डाला है, इसकी वजह से मैंने प्याज नहीं डाली। आप चाहो तो भी डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। आप देख सकते हैं मैं उसको ऐसे पलटा दूंगी, पलटा दिया था ऑलरेडी मैंने, आप देख सकते हो। इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि चिकन पकने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो उसमें गैस को पूरा आप लो पे भी कर सकते हो या फिर मीडियम पे भी कर सकते हो, गैस मैंने लो पे मीडियम पे हिट में ही रखा है उसको। ऐसे पलटा पलटा करके मैं गैस को आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे कर रही हूँ। जिस तरह कर रहे हो आप उसी तरह करोगी तो आपका चिकन पकौड़ा का टेस्ट भी होगा और खाने का भी, तो क्या बताओ आपको। चिकन पकौड़ा तो हर किसी को भी पसंद होता ही होता है, ये तो ज़रूर एक बार चिकन पकौड़ा बना के खाना और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना है। मैंने इस तरह का भी चिकन पकौड़ा बना रही हूँ, आप इस तरह का भी बना रही हूँ, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
ताकि मैं अगली बार कोशिश करूँगी आपके जैसा बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे जो चिकन पकड़ा है वहाँ पर पूरा रेडी है, अभी मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी। जब आपकी चिकन रखा था सेम इसी तरह मैं इसको दे दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके दे दूँ क्योंकि तेल मेरा थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है इसकी वजह से। और इसकी भी सेम इसी तरह मैं इसी तरह कर लूँगी। इसको भी एक साथ थोड़ा पकने के लिए दूँगी, उसके बाद इसको पलटाऊँगी। कितना आप रेसिपी देखिए, मैं आपको पूरी के देखा रही हूँ अंदर से। ये देखिए आप देख सकते हैं ये चिकन पकौड़ा कितना क्रेसिपी है। उसका कई ज़्यादा उसका खाने में बड़ा टेस्ट लगता है। एक बार ज़रूर चिकन पकौड़ा खाना और आपका फीलिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। ये अंदर नहीं पकाए इसकी वजह से ये नीचे लग रहा है, अगर पकेगा ना तो आराम से इजीली उड़ जाता है। इतना अच्छी तरह वो ज़्यादा कड़ भी हुआ है, आप देख सकते हो। मैं आपको तोड़ के देख रहा हूँ ये गर्म है, ये देखिए अंदर से कितना अच्छी तरह पका है ये। आदेश सुन रहे हैं इस वजह से उसका पापा उसको उठा लिए उठ जा करके। आप देख सकते हो ये जब भून के आएगा कलर कैसे चेंज चेंज होके आ रहा है, आप देख सकते हो।
चिकन पकौड़ा किस किस को पसंद है ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। और शाम के टाइम चिकन पकौड़ा खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। उसके आप उसको टमाटो सॉस के साथ खा सकते हो, रेड चिली सॉस के साथ भी खा सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे भी खा सकते हो। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है। लेकिन हाँ, ज़रूर अंदर एक मिनट पहले बाहर ऊपर लग देती हूँ। लेकिन हाँ, ज़रूर एक बार ऐसे बना के खाना, बड़ा टेस्टी लगता है, सच में बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके साथ बात करी हूँ, यहाँ पर उसकी वजह से चलाऊँगी क्योंकि ये नीचे ना जले जिसकी वजह से। ये आप देख सकते हो चिकन पकौड़ा का कलर कितना अच्छा है, मैं आपको पास में दिखा रही हूँ। बड़ा टेस्टी लगता है, सच में बड़ा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के खाना। और मेरा आपको फीलिंग्स मेरे साथ जरूर शेयर करना है। ये देखिए जैसे कलर कैसे होते आ रहा है। आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह हो चुका है। अभी मैं इसको ऐसे भी निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं इसको भी सारा मैंने ऐसे निकाल लिया है। इसमें और बाकी जो रखा था उसको भी मैं ऐसे करके दे दूंगी। सारा रख दिया था उसको रख दिया। सेम इसी तरह मैं इसको भी कर दूंगी। तो आपने तो देखा मैंने चिकन पकौड़ा कैसे बनाया, मैंने जिस तरीके में बनाया उसी तरीके में एक बार जरूर बना के खाना। और आपका फीलिंग्स जरूर मेरे साथ शेयर करना है। आपने तो देखा मैंने चिकन पकौड़ा कैसे बनाया, मैंने जिस तरीके भी बनाया एक बार मेरी तरीके भी बना के खाना। बड़ा टेस्टी लगता है, सच में बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगता होगा, चिकन पकौड़ा का वीडियो। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो नहीं आएगा आप उसको मिस ना कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर रखूँगी, आप लोग के साथ कल मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चलिए मैं चिकन पकौड़ा का एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी आ जाए मेरे साथ चिकन पकौड़ा का एंजॉय करने के लिए।